नमस्कार, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज से। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वह आज भी एक निरंतर राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये चर्चा उनके कार्यकाल के दौरान की गई नीतियों पर होती है, जिसमें कई बार उनकी सराहना होती है तो कई बार आलोचना होती है। लेकिन ये चर्चा राजनीतिक कार्यकाल तक सीमित ना रहकर उनकी निजी जिंदगी पर चली जाती है। कुछ खास पार्टियों के समर्थक सोशल मीडिया पर फोटोशॉप की गई तस्वीरों का हवाला देकर झूठ फैलाते हैं और नेहरू की छवि को कलंकित करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही तस्वीरों का उदाहरण देखेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया पर नेहरू की एक तस्वीर फैलाई गई थी। तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा था कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच में जो जंग हुई थी, उसमें भारत की हार के बाद गुस्साई भीड़ ने नेहरू को पीटा। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर साझा करने वाले लोगों में से कई लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं, तो कई लोगों को भाजपा के नेता। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। ऑल्ट न्यूज ने जब इस तस्वीर का गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया तो पाया कि यह तस्वीर एसोसिएटेड प्रेस के संग्रह में उपलब्ध है। एसोसिएटेड प्रेस, जो कि एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक यह तस्वीर 1962 में ही ली गई थी, लेकिन यह तस्वीर जंग के पहले की है और ना के जंग के बाद की। इस तस्वीर के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए ऑल्ट न्यूज़ ने गूगल पर उपलब्ध गूगल न्यूज़पेपर्स आर्काइव, जो कि एक पुराने अखबारों का संग्रह है, उसमें खोजबीन की। 6 जनवरी 1962 को इंडियन एक्सप्रेस की प्रसारित हुई रिपोर्ट के मुताबिक AICC की प्लानरी सेशन मीटिंग थी। प्लानरी सेशन मीटिंग यानी पूर्ण अधिवेशन बैठक, जिसमें एक बड़ी भीड़ नेहरू की एक झलक पाने के लिए उमटी थी। भीड़ को बेकाबू होते देख नेहरू भीड़ को संभालने हेतु आगे बढ़े, तभी पीछे से कांग्रेस के बड़े नेता और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया ताकि वह गिरे नहीं। और यह जो दावा है कि यह तस्वीर जंग के बाद की है, वो सरासर गलत है, क्योंकि जंग 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक चली थी और यह तस्वीर जनवरी 1962 की है। एक अन्य उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ तस्वीरों का एक कोलाज ट्वीट किया और इस तरह पंडित नेहरू के DNA की तुलना हार्दिक पटेल से की। हार्दिक पटेल गुजरात के युवा नेता हैं और यह उस समय की बात है जब 2017 में गुजरात इलेक्शन होने वाला था। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों के कोलाज पर जब गौर करेंगे तो ऊपर बाईं तरफ की जो पहली तस्वीर है, उसमें जो महिला दिख रही हैं वो पंडित नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित हैं। सन 1949 में विजयलक्ष्मी पंडित US में भारत की राजदूत थी और उस समय पंडित नेहरू एक राजकीय दौरे पर US गए थे। उसी समय विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिसीव करने एयरपोर्ट पर आई थी। यह उसी समय की तस्वीर है। इसी तरह दाईं तरफ की जो पहली तस्वीर है, उसमें भी विजयलक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू ही हैं। यह उस समय की तस्वीर है जब विजयलक्ष्मी पंडित रसिया में भारत की राजदूत थी और दिल्ली एयरपोर्ट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें रिसीव करने गए थे। इस कोलाज में दिख रहे नीचे की जो दाहिने तरफ की तस्वीर है, उसमें जो महिला दिख रही है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी और विजयलक्ष्मी पंडित की बेटी हैं। यह तब की तस्वीर है जब लंदन एयरपोर्ट पर नयनतारा सहगल पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिसीव करने आई थी। इस कोलाज में जो बीच की तस्वीर है, उसमें जो महिला दिख रही हैं वो एक जानी मानी डांसर मृणालिनी साराभाई हैं। सन 1948 में दिल्ली में हुए एक मनुष्य नामक प्रस्तुति के बाद की यह तस्वीर है। इस तस्वीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू मृणालिनी साराभाई को उनके परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह किसी भी सामान्य व्यक्ति का उसकी बहन, उसकी भांजी या कोई भी परिचित महिला जिसे वह जानता हो, उसके साथ पेश आए बर्ताव को लेकर उसकी नैतिकता पर सवाल उठाया जाता है और इस तरह उसे चरित्रहीन दिखाने की कोशिश की जाती है। और यह काम कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने की है। इस साल मई 2018 में जवाहरलाल नेहरू की एक और तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि नेहरू ने एक सफेद रंग की टोपी लगा रखी है, हाथ में छड़ी है और हाफ पैंट पहने हुए। तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री RSS की शाखा में शरीक हुए थे। हालांकि यह दावा बिल्कुल गलत है,
क्योंकि ना ही नेहरू आरएसएस की शाखा में थे और ना ही उन्होंने आरएसएस का ड्रेस कोड पहना था। दरअसल तस्वीर में देखे जा रहे नेहरू सेवा दल की मीटिंग में थे। सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जमीनी संगठन है जिसका ड्रेस कोड 1925 में अधिकृत हुए आरएसएस के ड्रेस कोड से काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन सेवा दल के ड्रेस कोड में सफ़ेद रंग की टोपी है और आरएसएस के ड्रेस कोड में काले रंग की टोपी है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा कि नेहरू आरएसएस की शाखा में शरीक हुए थे और नेहरू को आरएसएस से सहानुभूति थी, ये सरासर गलत है। हाल ही में एक और तस्वीर वायरल हुई है जिसे शेयर करते हुए यह कहा जा रहा है, कांग्रेस का पुराना इतिहास आज़ादी की लड़ाई लड़ते दोगले नेहरू चाचा। लेकिन जब हमने इस तस्वीर की सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस तस्वीर में पंडित नेहरू नहीं है। दरअसल इस तस्वीर में दिख रहे लोग एक नाटक ड्राइंग द लाइन के किरदार हैं। यह नाटक एक स्क्रीन राइटर होवार्ड ब्रेंटन ने लिखी है जिसे 3 दिसंबर 2013 से 11 जनवरी 2014 के बीच लंदन के हैम्पस्टेड थिएटर में खेला गया था। होवार्ड ब्रेंटन का यह नाटक ड्राइंग द लाइन भारत के बंटवारे के विषय में लिखा गया है। तस्वीर में नेहरू के किरदार में दिख रहे व्यक्ति का नाम सिलास कार्सन है जबकि एडविना माउंटबेटन के किरदार में है लूसी ब्लैक। इस नाटक की कहानी और किरदार लेखक की कल्पना है और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर अभी वायरल है वो इसी नाटक से ली गई है। और इस आखिरी उदाहरण में हम नेहरू की एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जो सोशल मीडिया पर हर कुछ महीने बाद दिखी जाती है। इस तस्वीर में पंडित नेहरू कुछ महिलाओं के साथ दिख रहे हैं जो किसी परफॉर्मेंस के लिए तैयार होती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के ऊपर लिखे गए शब्द कुछ इस तरह हैं, कितनी हवस थी उन आँखों में कि कुत्ता भी शर्मा जाए। तो सच्चाई क्या है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी ऐसे ग्रुप में शामिल थे जहाँ ये महिलाएं तैयार हो रही थी? जी नहीं, यह एक फोटोशॉप तस्वीर है। असली तस्वीर में पंडित नेहरू हैं ही नहीं। दरअसल यह तस्वीर यूनाइटेड स्टेट्स की एक नाटक ग्रुप की है जिसका नाम कोरस गर्ल्स है। यह ग्रुप 1910 से 1920 के बीच परफॉर्मेंस करती थी और ये महिलाएं ऐसे ही किसी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थी। इस तस्वीर को लिया गया और पंडित नेहरू के किसी एक तस्वीर का फोटोशॉप कर इसमें शामिल कर दिया गया। इस खास तस्वीर का उपयोग हर कुछ दिन में सोशल मीडिया पर पंडित नेहरू का चरित्रहनन करने के लिए किया जाता है। ये जो उदाहरण हम लोगों ने पेश किए हैं ऐसे सैकड़ों इंस्टेंसेस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को बदनाम करने के लिए निरंतर प्रयास चले आ रहे हैं और यह प्रयास चाहे फोटोशॉप तस्वीर के जरिए हो या गुमराह करने के लिए गलत दावे से पेश की गई हो। एक जिम्मेदार सोशल मीडिया यूजर बने और कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार उसकी जाँच जरूर कर लें।